ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दर्शकों, अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर संचिता लेखी सिंघी जी जुड़ गई हैं। संचिता जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो संचिता जी हमें बताएंगी कि किस तरह से आपके कार्ड्स आपके भविष्य के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ आपके बारे में बताते हैं। और शुरुआत राशि से करते हैं और साथ ही साथ कल नवरात्रा शुरू हो रही है, तो कैसे आप नवरात्रा मनाएं, कैसे आपको पूजा करनी है माँ भगवती की, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत राशि से। मेष वृषभ मिथुन आपके लिए जानते हैं आज का दिन। मेष, सबसे पहले आपके लिए जी। तो जो मेष राशि के लोग हैं उनके लिए हम यहाँ एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका जो यहाँ कार्ड आ रहा है ये बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। ये स्टेबिलिटी का कार्ड हमारा माना जाता है। जैसे अगर बहुत समय से आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आज के जो दिन है आपको लगेगा जैसे जैसे आपने चीज़ें सोच रखी हैं वैसे ही आपका दिन बीत रहा है। ये एकदम स्टेबिलिटी के साथ जा रहा है आज का दिन, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके लिए मैं बोलूँगी येलो कलर बहुत लकी रहेगा। जी, तो येलो कलर आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आने लगेगी, तो स्मूथ ये दिन आपका है। और अब वृषभ राशि आपके लिए जानते हैं जी। जो इनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो आज का जो दिन है ये मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैजिशियन, जैसे जादूगर हम बोलते हैं, तो वैसे ही आज का जो दिन है, हो सकता है जो भी आपने आज के लिए सोच रखा हो कि आपको ये काम करना है या ये होना चाहिए, वो ना हो के कुछ और भी अच्छा आपके लिए आज के दिन हो सकता है। तो आप बहुत पॉजिटिव रहें और जो ये मैजिशियन है इसको अपना मैजिक जो है वो आप दिखाने दें। और जो कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं वो आपके अच्छे के लिए ही रहोंगे। आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग अच्छा रहेगा। जी, तो लाल रंग आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ लाइफ में कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छे के लिए होती हैं, तो वो चीज़ें होने दीजिए और ये जो लाइफ है उसको आराम से इंजॉय कीजिए। आगे बढ़ते हैं, मिथुन राशि आपके लिए जानते हैं जी। इनके लिए भी हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो आज का जो दिन है इसमें बोल रहा है कुछ लोग आपसे आज के दिन नाराज़ हो सकते हैं। कई बार हमारी कुछ कही हुई बातें दूसरों को तकलीफ़ दे सकती हैं, तो उसका आज आपके दिन, आज का जो दिन है उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आज ऐसी कोई भी बात ना हो कि आपके रिश्तों में कड़वाहट आए या रिश्तों में दूरियाँ बन जाएँ, उसका आज आपके को ध्यान रखना चाहिए। आपको मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा। जी, तो हरा रंग आपके लिए अच्छा है। ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान ना दें जिससे आपके रिश्तों में कड़वाहट हो, तो इन कड़वाहट जो है इनसे आपको बचना है। तो ये तीन राशियों की बात हो गई, मेष वृषभ मिथुन आपके लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, कर्क सिंह कन्या आपके लिए जानते हैं कि आपके लिए क्या कुछ खास है। कर्क, सबसे पहले आपके लिए बात करते हैं जी। जो कर्क राशि है उनके लिए हम एक कार्ड निकाल लेते हैं। तो जो कर्क राशि के लोग हैं यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है जैसे थोड़ा सा पानी बना हुआ आ रहा है, कि अगर आज के दिन ये ऐसा कोई काम करते हैं या पानी वाली जगह आप काम करने जाते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। अगर बहुत समय से अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे थे, यात्रा की तैयारी कर रहे थे, तो उसका भी समय बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए मैं बोलूँगी हल्का नीला रंग बहुत शुभ रहेगा। जी, तो हल्का नीला रंग आपके लिए अच्छा है। यात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है, यानी आज आप अगर चाहते हैं कि आप कहीं जाएं तो आप ये टाइम कहीं जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, अब सिंह राशि आपके लिए जानते हैं कि आपका दिन बेहतर कैसे रहने वाला है आज। जी, जो सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए भी हम एक कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो सिंह राशि के लिए जो आ रहा है कार्ड, ये मेंटल पीस का नहीं है। बोल रहा है आज का जो दिन है कहीं ना कहीं हम मेंटल पीस को खोज रहे हैं, शांति चाह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आज के दिन लगा ही रहेगा। तो आप चिंता ना करें, आज का जैसे दिन है थोड़ा सा छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी, पर कोई बात नहीं, कल अगला दिन आएगा तो ये सारी परेशानियाँ भी दूर हो जाएंगी। तो आज का जो दिन है उसमें है कि कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जैसे आज का दिन रहेगा ये छोटी छोटी परेशानियाँ भी जल्दी आपकी दूर हो जाएंगी। आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा। जी, तो हरा रंग आपके लिए अच्छा है। साथ ही साथ छोटी छोटी चीज़ें या छोटी छोटी परेशानियाँ जो हैं वो आपकी ख़त्म होती हुई आज नज़र आएंगी।
और अब कन्या राशि आपके लिए जानते हैं कि आपके लिए क्या कुछ खास है आज के दिन में। जी, जो कन्या राशि है उनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं। तो आज का जो दिन है कन्या राशि वालों के लिए बोल रहा है, थोड़ा सा जो है थोड़ा सा उदास दिन मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे आप एक आदमी है जिसने मुंह मोड़ रखा है, बोल रहा है आज का जो दिन है वो थोड़ा इमोशनल आपके लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि किसी की कोई कहीं भी बात से आपको हर्ट हो सकता है, बुरा लग सकता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसे दूसरों की बातों को आप दिल पे ना लें और हर बात को इतना सीरियसली ना लें, थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगर आपको किसी की कोई बात बुरी भी लगती है, आप उनसे ये कह सकते हैं, बातचीत करके इस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो निराश ना हो और थोड़ा पॉजिटिव बनने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं बोलूँगी येलो कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। जी, तो पॉजिटिविटी लाइफ में हमेशा बहुत ज़रूरी होती है, तो पॉजिटिव आप बने रहिए। अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत कह देता है तो परेशान आपको नहीं होना है। और अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि छह राशियों की बात कर ली है संचिता जी, और तुला वृश्चिक धनु के लिए भी आपसे जानना चाहेंगे कार्ड्स में क्या कुछ खास है। तुला के लिए सबसे पहले जानेंगे। जी, तो तुला राशि के लिए हमें कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए जो कार्ड आ रहा है ये कंफ्यूजन वाला कार्ड आ रहा है कि आज का जो दिन है वहाँ पे आपको कोई बड़ा फैसला भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन है, आप सोच विचार करने के लिए थोड़ा और समय लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी जब चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, जैसे हमें इतनी सारी यहाँ पर स्टिक्स दिखाई दे रही हैं कि इतने सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं आज के दिन। तो जब हमें थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो समय लें अपना और सोच समझ के ही कोई बड़ा डिसीजन लें, जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना लें। आज के दिन आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग अच्छा रहेगा। तो लाल रंग आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जल्दबाजी किसी भी चीज़ में मत कीजिए, जल्दबाजी हमेशा बुरी होती है। और आपके लिए तो तुला राशि सबसे खास तौर पे कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। वृश्चिक राशि आपके लिए जानते हैं। जी, तो इनके लिए भी हमें कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो इनका जो कार्ड आ रहा है आज के दिन, जैसे हम इतने सारे कॉइन्स हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें बोल रहा है मेहनत का जो आज का दिन है वो आ रहा है कि हार्ड वर्क करने की आपको बहुत ज़रूरत है, चाहे वो वर्क में हो या आपके रिश्तों में आपको लगता है ज़रूरत है या परिवार में ज़रूरत है। तो बोल रहा है आज का जो दिन है वो मेहनत बड़ा दिन रहेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी पर उसका फल जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये ना सोचिए कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगी, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। आपके लिए मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा। जी, तो येलो कलर आपके लिए अच्छा है और आप मेहनत बहुत करते हैं और इस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है, टाइम आपके लिए अच्छा आ गया है। धनु राशि अब आपकी बात करते हैं। जी, जो धनु राशि है इनके लिए भी हमें कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो धनु राशि का जो कार्ड आ रहा है, ये जो 5 नंबर का यहाँ कार्ड आ रहा है, ये कार्ड बोल रहा है कि आज के दिन जो है आपको कोई ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी पड़ सकती है। हो सकता है ये घर परिवार में सबके साथ आपकी मीटिंग हो रही है बहुत समय बाद, या ऑफिशियल कोई मीटिंग हो सकती है जहाँ आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा पड़ेगा। तो जो भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है आपको ज़रूर अटेंड करनी चाहिए, चाहे परिवार में हो, ऑफिस में हो, या कोई बिजनेस मीटिंग आपकी हो, और आपको लाल रंग ज़रूर पहनना चाहिए। जी, तो लाल रंग आपको ज़रूर पहनना है, आज इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आखिरी 3 राशियों की बात कर लेते हैं। मकर, कुंभ, मीन आपके लिए। मकर सबसे पहले आपके लिए जानते हैं। जी, जो मकर राशि है उनके लिए भी हमें कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो मकर राशि के लिए जो कार्ड आया है, ये 2 of Coins का कार्ड हमारा बोलते हैं, जहाँ हमारे को 2 coins दिखाई दे रहे हैं। तो बोल रहा है बैलेंस आज के दिन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देख सकते हैं इस आदमी ने 2 चीज़ें एक साथ ले रखी हैं अपने हाथ में और बैलेंस जो है वो हो सकता है ना बैठे। तो कोशिश करें कि हम हर चीज़ में थोड़ा बैलेंसिंग के ऊपर फोकस करें, कि कई बार होता है हम बहुत मेहनत करते जा रहे हैं पर शायद आप गलत दिशा में मेहनत कर रहे हैं। तो कोशिश करें जो भी आप काम करें सोच समझ के करें, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करें, कि बैलेंस जो है हम जितना मिनिमम चीज़ करें, जैसे एक चीज़ एट अ टाइम हम बोलते हैं, कि मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना करें, एक एक करके काम करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके लिए मैं बोलूँगी लाल रंग अच्छा रहेगा। जी, तो लाल रंग आपके लिए अच्छा है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं करनी है, ये आपको कंफ्यूजन कर देगा। कुंभ राशि आपके लिए जानते हैं। जी,
तो इनके लिए भी हमें कार्ड निकाल लेते हैं। तो इनका बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है यहाँ पे, जिसे हम सक्सेस का कार्ड मानते हैं, विक्ट्री का कार्ड माना जाता है ये हमारे टैरो कार्ड्स में, कि आज का जो भी दिन आप जो भी काम करेंगे, कोई अच्छी खबर आपकी तरफ आती मुझे दिखाई दे रही है, कि सक्सेस की न्यूज़ जो है वो आपकी तरफ आती दिख रही है, कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जिसका बहुत समय से अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे तो वो सही समय जो है अब वो आ चुका है। आपके लिए मैं बोलूँगी हरा रंग अच्छा रहेगा जी। और आखिरी राशि मीन राशि है, उनके लिए भी जान लेते हैं कि उनके लिए क्या कुछ खास है। जी, जो मीन राशि के लोग हैं उनके लिए भी हमें कार्ड यहाँ निकाल लेते हैं। तो मीन राशि के लिए बोल रहा है आज का जो दिन है इसमें बोल रहा है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी जैसे हमें करियर की तरफ आती दिखाई दे रही है, उसके साथ साथ मुझे दिख रहा है कि कोई आपसे मिलने आ सकता है आज के दिन, जो कि हमारे काम से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे इसके हाथ में स्टिक है तो ये आपके करियर से रिलेटेड आज का दिन रहेगा, और कोई आपसे मिलने आ सकता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है आपके लिए। तो जो भी आ रहे हैं इसमें आपको, मुझे पॉजिटिविटी बहुत दिखाई दे रही है आज के दिन आपके करियर में, तो इस अपॉर्चुनिटी पे ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए। आपके लिए मैं बोलूँगी येलो कलर अच्छा रहेगा। जी, तो येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेन राशि और साथ ही साथ और राशियों के लिए भी हमने बताया, सारी राशियों के लिए बताया कि क्या कुछ आपके लिए खास रहने वाला है। संचिता जी, क्योंकि कल से नवरात्रा शुरू हो रहे हैं तो हमें क्या कुछ खास करना है, कल से विशेष क्या करना है जिससे माँ हमसे प्रसन्न हो? जी, जो जो कल के जो चीज़ें हैं उन सबसे शुरुआत जो होता है आपका दिन का वो अच्छा रहे तो आपका पूरा दिन भी बहुत अच्छा जाता है। तो आज के जो दिन है, जैसे कल का हम प्लान कर रहे हैं, तो आप त्यौहार की तैयारी करने के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठ के आपको फ्रेश कपड़े पहनने चाहिए, नहा धो के तैयार होके बैठना चाहिए। जब आप सारी रीति को फॉलो करेंगे तो हर चीज़ को, हमारा एक तरीका होता है फॉलो करने का, इसमें आपको बार बार उठना नहीं है। जब आप एक बार बैठ जाएं, सब चीज़ें तैयारी करके ही बैठे, कि बार बार आपको उठना नहीं है इसमें। बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि आप अपने फ़ोन को जो है साइलेंट पर रखें, आप साइड पर रखें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन, जब हम पूजा करने बैठते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए आपके आगे। तो ये सिर्फ बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप उसका ध्यान रखें। तो बहुत छोटी सी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, और साथ ही साथ राशि क्या कुछ कहती हैं ये भी हमने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया संचिता जी, नमस्ते। तो दर्शकों, आज के हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़, और खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।